अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव, दिस इज़ लेसन नंबर 8, वाटर एंड इरिगेशन। बच्चे ये लेसन नंबर 8 है वाटर एंड इरिगेशन। ये देखें मैंने ऑब्जेक्टिव आपके हाईलाइट किए हुए हैं, आपको प्रॉपरली इस पेज में नज़र आ रहे हैं। देखें जो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने वर्ड आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं वो सारे मैंने ब्लॉक्स में किए हुए हैं, इन बॉक्सेस में किए हुए हैं। आपने भी अपनी बुक पर इसी तरह से करना है। ऑलरेडी हम लोग रीडिंग कर चुके हुए हैं, आपने भी रीडिंग को इसी तरह से करते हुए इसको ब्लॉक में करना है। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए, आपको एफआईबी के लिए और ट्रू फॉल्स के लिए ये आपके पेपर में आ सकते हैं। आपने इसको लर्न करके प्रैक्टिस भी करनी है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ पाकिस्तान इज़ आ डैश कंट्री। पाकिस्तान क्या है? डैश कंट्री है। कैसा है? ड्राई कंट्री है। पाकिस्तान इज़ अ ड्राई कंट्री। पाकिस्तान एक खुश्क मुल्क है। आपने ड्राई को इसी तरह ब्लॉक में कर लेना है, बॉक्स में कर लेना है। नेक्स्ट बेटा देखें, थर्ड लाइन में हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देयर से। कहाँ से? देयर से, थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से। देयर आर ऑल्सो मैनी स्मॉल रिवर्स इन द डैश एंड सीजनल रिवर्स इन द साउथ विच प्रोवाइड वाटर टू लार्ज एरिया ऑफ लैंड। देयर मीन क्या होता है? पाकिस्तान में। देयर आर यानी कि पाकिस्तान में। ऑल्सो मैनी रिवर्स, स्मॉल रिवर्स, हमारे पाकिस्तान में कहाँ पर स्मॉल रिवर्स हैं? इन द नॉर्थ। कहाँ पर? नॉर्थ। पाकिस्तान के कहाँ पर स्मॉल रिवर्स हैं? नॉर्थ में। आपने नॉर्थ को इसी तरह से ब्लॉक में करना है। एंड सीजनल रिवर्स इन द डैश, और सीजनल रिवर्स कहाँ हैं? साउथ में। कहाँ पर? साउथ में। हमारे सीजनल रिवर्स कहाँ हैं? साउथ में। विच प्रोवाइड वाटर टू लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जो कि पानी हमें प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करते हैं? स्मॉल रिवर्स और सीजनल रिवर्स पानी प्रोवाइड करते हैं लैंड के लिए। जो एरिया हम लोग, बहुत बड़ा एरिया है जो इरिगेट करते हैं या फसलों के लिए हम रेडी करते हैं, उनको ये स्मॉल रिवर्स और सीजनल रिवर्स जो हैं वाटर प्रोवाइड करते हैं। आप देखें नेक्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में बेटा, सम ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग डैश। हमारी कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? फास्ट फ्लोइंग वाटर से। किससे? फास्ट फ्लोइंग वाटर से। हमारी इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? फास्ट फ्लोइंग वाटर से। क्योंकि जब जैसे ही डैम से पानी नीचे गिरता है, जितनी तेज़ी से निकलता है उतनी ही तेज़ी से बिजली ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। अब नेक्स्ट देखें इरिगेशन वाले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में बेटा, इन पाकिस्तान मोर देन डैश ऑफ टोटल अराइवल एरिया इज़ इरिगेटेड। हमारे पाकिस्तान का कितने परसेंट जो एरिया है वो इरिगेट किया जाता है? कैनाल से, रिवर से, स्ट्रीम्स से, इन सब चीज़ों से कितना एरिया जो है वो इरिगेट किया जाता है, मतलब कितने एरिया को पाकिस्तान में पानी पहुँचाया जाता है? 80%। कितने? 80%। हमारे तकरीबन 80% जो एरिया है उसको पानी पहुंचाया जाता है। इन द नेक्स्ट लाइन यू कैन सी, मैंने दे को कट करके फार्मर राइट किया हुआ है। आपने आपकी लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, फार्मर्स कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन द रेन बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल डैश इन पाकिस्तान। जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ बारिश पे इनसार नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम होती। क्या होती है कम? रेन। क्या होती है कम? रेन। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान पे ये रेन पर डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में बारिश बहुत कम होती है। जी बेटा आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, सेकंड लाइन में कैनाल्स के पैराग्राफ की सेकंड लाइन में आप देखें बेटा, प्रॉपर चैनल्स आर कॉल्ड डैश। प्रॉपर चैनल्स आर कॉल्ड डैश। जो रिवर्स वगैरह में से निकाली जाती है ना बेटा, नहरें, उनको कहा जाता है कैनाल्स, और उनको प्रॉपर चैनल भी कहा जाता है, मतलब एक मुनासिब जो रास्ते होते हैं उनको वो भी कहा जाता है और इनको कैनाल्स भी कहा जाता है। जो रिवर्स में से चैनल्स मतलब एक कुछ रास्ते निकाल के पानी पहुँचाया जाता है फसलों तक, उनको क्या कहा जाता है? कैनाल्स। क्या कहा जाता है? कैनाल्स। जी बेटा आपने इसको लर्न करना है और अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।